यस 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 मेरे प्यारे बच्चों, आप में और हमारा फिजिक्स, कैसे हो सब आप लोग? बढ़िया, मजे में। GEE का फॉर्म भरना था जिसको, आ गया है। थोड़ा बहुत देख लेना, मैंने भी एक लेक्चर वीडियो बनाया है जिसमें हाउ टू फिल अप द GEE फॉर्म, देख लेना थोड़ा, आराम से भर लेना, सब डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर लेना सबसे पहले, फिर बाद में चेक कर लेना। ओके, और एक बात, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिजॉल्विंग पावर। उससे पहले ये चैप्टर में क्या सॉल्व किया, रिवाइज कर लेते, दो पांच मिनट लगेंगे। वेव फ्रंट सबसे पहले समझाया, ह्यूगेंस प्रिंसिपल था, ह्यूगेंस प्रिंसिपल के बाद में डिफ्रैक्शन ह्यूगेंस प्रिंसिपल से समझाया, एंड विद द हेल्प ऑफ इट रिफ्लेक्शन भी समझाया, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, राइट। उसके बाद में डॉपलर इफेक्ट आई, राइट, रेड शिफ्ट, वायलेट शिफ्ट, चेंज इन द फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला, इंटरफियरेंस, व्हेन द टू और मोर वेव गेट सुपरपोज, देन द रिजल्टेंट यू कैन से फिनोमेना नाकर, दैट इज नोन एज द इंटरफियरेंस। ओके, उसके इंटेंसिटी का फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा बाई 2, और यू कैन से दैट थीटा बाई 2। पाथ डिफरेंस है, इंटरफियरेंस दो टाइप के थे, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। कंडीशन आई कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस, उसका ही फेज डिफरेंस, और मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव की एक्सपेरिमेंट के अरेंजमेंट से। देन द सेपरेशन बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस भी ऑब्टेन किया, देन खत्म इंटरफियरेंस, राइट। उसके बाद में था डिफ्रैक्शन, द बैंडिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम सम ऑब्स्टिकल और ऑप्टिक, और दूसरा डेफिनेशन, द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉलर पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट नोन एज द डिफ्रैक्शन, राइट। दूसरी बात, द अमाउंट, दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी, और यू कैन से दैट द डिफ्रैक्शन इज डिपेंडिंग ऑन द रेशियो ऑफ लैम्बडा बाय डी, लैम्बडा इज द वेवलेंथ एंड डी इज द विड्थ ऑफ द स्लिट, राइट। उसके बाद में सेंट्रल मैक्सिमम समझाया, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर मिनिमम और मैक्सिमा मैक्सिमा समझाया। उसके बाद में क्या समझाया बच्चों, पता है? उसके बाद में मेन बात इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न की डिफरेंसेस समझाए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी वो चीज, राइट। बस उसके बाद में सम्स एंड इलस्ट्रेशन सॉल्व किए, एक्सरसाइज के सम्स, देन आफ्टर द न्यू थिंग, दैट इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या पता है? वंस आई वॉच द फार ऑब्जेक्ट, वंस आई वॉन्ट टू सी द फार ऑब्जेक्ट, देन वो मुझे थोड़ा कम दिखाई देगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेक्स है। अगर आपको भी स्पेक्स है तो आपके लेंस का, आई के लेंस का रिजॉल्विंग पावर कम है। जिसको नहीं है, फोल्डर्स एकदम जलसा करो, आपका आई का लेंस बहुत ठीक है ना। तो ये जरूरत रिजॉल्विंग पावर से तकलीफ को तक, रिजॉल्विंग पावर ठीक नहीं होता इसीलिए ये जरूरी है। दूसरी बात, आर्मी में भर्ती होना है ना, तो 6x6 विजन चाहिए। क्या होता है चेक कर लो, नेट पे जाके चेक करो कि व्हाट इज 6x6 विजन, एक नई इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, राइट, आपका नॉलेज और बढ़ने वाला है, राइट। ओके फाइन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। तो भाई जो क्वेश्चन है वो तो समझना पड़े ना, टेलीस्कोप तो पता है लास्ट चैप्टर से, अभी रिजॉल्विंग पावर है क्या बच्चों? ये है रिजॉल्विंग पावर का मतलब, द इंस्ट्रूमेंट विथ विच वी कैन वॉच और वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, फार ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, देन This is nothing but the resolving power. कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से दूर की कोई भी चीज या नियर बाय कोई भी चीज हम लोग सेपरेटली देख सके, then it is known as the resolving power of that optical instrument. खत्म बात, we are going to discuss about the telescope. Telescope का यूज क्या पता है ना आपको? दूर की चीज, astronomical objects वो देखना है हमको, right? So what happened in the case of this telescope? Telescope में होता क्या पता है? So see, if I have this type of convex lens, then the ray which are incident parallelly on it, then what happened? All these rays are converges at one point. एक ही spot छोटा वाला मिलना चाहिए, but due to the diffraction here, this spot is little bit bigger one. And some other phenomena gets also happen here, and these are the rings, these are known as the Arrays ring, and this one is the bright disc type structure, this is known as the Arrays disc, right?
तो इसी की हेल्प से हमको रिजॉल्विंग पावर का मतलब समझना है, राइट? सो व्हाट हैपेंड दैट वी वांट टू एक्सप्लेन, क्लियर? सो बच्चों यहां पर मेरे पास सबसे पहले समझो कि ये है मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस, राइट? अभी यहां से ये हो गई उसकी ऑप्टिकल एक्सिस। अभी यहां पर डिफ्रैक्शन पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो कैसा मिलेगा डिफ्रैक्शन पैटर्न? यहां पर ये है स्क्रीन, तो कैसा मिलेगा डिफ्रैक्शन पैटर्न? यू नो द डिफ्रैक्शन पैटर्न विल बी लाइक दिस, राइट? तो ये हो जाएगा हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न, राइट? तो अभी रेज यहां से आएंगे और सब इसके ऊपर इंसिडेंट हो सकते हैं। So now, what about the diameter of this lens? So the diameter of the lens is twice a, and a is the radius of it, right? इसके आगे आपको मिलेगा प्यारे बच्चों, इसके आगे first maximum minimum, first maximum minimum. Okay, ये स्क्रीन के ऊपर होता क्या है? So बच्चों ये वाला. So यहां पर आपको ये स्ट्रक्चर मिलने वाला है, right? So you are getting this type of bright disc, central portion. Then after there are some arrays ring like this. ऐसी arrays ring उसके आसपास में मिलेगी 1, 2, 3. ये bright spot मिलेगा, उसके बाहर जो होगा वो dark ring होगी, उसके बाद में जो होगा वो bright होगा. Clear? एकदम से? Okay. Now उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं? तो उसके बाद में हम लोग ये कर रहे हैं कि ये जो उसकी radius है वो कितनी हो सकती है? What about this radius? So it is nothing but 0.61. It is 0.61, right? Into lambda, and it is divided by a, and with this f, right? तो ये जो स्क्रीन है वो कितने डिस्टेंस के ऊपर है? F, right? What about the angular width of this one? इसकी एंगल के साथ में, ये एंगल अगर मैं यहां से ड्रॉ करूं, ये वाला. So what is the angular width of this central maximum? So you can say that angular width of this central maximum is width of the central maximum is. Kya ho sakta hai? So this is equal to 1.22 lambda into f upon twice a, right? अभी इसकी रेडियस क्या हो सकती है? So therefore radius of this one, radius is equal to, ये निकाल दो, this is 0.61 lambda f upon a, correct? ये half of the value, उसको radius बोल देंगे. Now उसके बाद में हम लोग ये लिख सकते हैं कि अगर f इंटू डेल्टा थीटा हुआ तो उसको r नॉट बोल देंगे, एंड दिस इज इक्वल टू 0.61 लैम्बडा f अपॉन. इफ आई टेक दिस टू टूगेदर, ये दोनों को साथ में ले लिया तो ये हो जाएगा f डेल्टा थीटा, इट इज इक्वल टू 0.61 लैम्बडा f अपॉन a. सो f दोनों साइड से कैंसल, सो देयरफॉर दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड द angular resolution, right? So this delta theta, it is equal to 0.61 lambda divided by a. This is called the angular resolution or angular resolving power. Now what about the resolving power? So yahan se hum log resolving power, that is equal to 1 upon delta theta. Ulta lena padega. So this is equal to a upon 1.22 lambda. बच्चो ये compulsory formula याद करना ही पड़ेगा, MCQ मिलेगा ही मिलेगा यहां से. आपने जब telescope पढ़ा होगा तब पढ़ा था कि objective का diameter जितना बड़ा करोगे उसका resolving power उतना ज्यादा होगा, जितनी wavelength कम होगी उतना resolving power ज्यादा होगा. ये कंसेप्ट हो गया, लिख लो आपकी नोटबुक में कंसेप्ट, टिक मार्क कर लो, फिर आप गजब काम कर सकते हो, राइट? बस तो देखते रहिए ऐसे कंसेप्ट को, नोटबुक में बनाते रहिए, फिर काम हो जाएगा. अभी मैंने मैथमेटिकली समझा दिया, सब थियोरी बोल दी, बच्चे इतना लिखकर काम चला लेते हैं. भाई लोग कैसे काम करोगे आप?
आप ऐसे काम नहीं कर सकते। अगर गुजरात बोर्ड चाहिए ना तो इन बिटवीन जो कुछ भी इंसर्ट करना पड़ता है ना सब कुछ लगाना पड़ता है बच्चों। काम के बिना, राइटिंग प्रैक्टिस के बिना फिजिक्स मुमकिन ही नहीं है। फिर से एक बार, राइटिंग प्रैक्टिस के बिना फिजिक्स मुमकिन ही नहीं है, समझ लेना। आज सीख लिया कल भूल जाओगे, दो बार रीड किया परसों भूल जाओगे, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस करते रहोगे तो कोई आपको रोकने वाला नहीं है, ये बात गारंटी के साथ में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टेलीस्कोप की जगह पर माइक्रोस्कोप समझाना है, है ना, कर लेते वो भी प्यारे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर एक्सप्लेन करना है। डिफरेंस तो मैंने पहले बता दिया था, नहीं बताया, ओके भाई बता देता हूं। रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप में क्या होता था, दूर का ऑब्जेक्ट नियर बाई देखना था, सेपरेटली देखना था, मैग्निफिकेशन जरूरी नहीं था, बट इन द केस ऑफ माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्ट इज नियर वन एंड स्टिल वी वॉन्ट टू सी डिस्टिंक्टली, मतलब उसको अलग करके देखना है। सो इफ द ऑब्जेक्ट इज नियर बाई, इफ यू वॉन्ट टू सी इट सेपरेटली देन द मैग्निफिकेशन इज मोर, इट्स रिक्वायर्ड। सो यहां पर मैग्निफिकेशन चाहिए तब जाके दो ऑब्जेक्ट को सेपरेट देख सकते। वहां पर क्या था, नियर बाई लाना पड़ता था और ऑब्जेक्ट को हम लोग सेपरेट देख सकते थे। नाउ व्हाट अबाउट द डायग्राम, तो डायग्राम है वहां पर आपका काम बहुत इजी हो जाता है। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव, राइट, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द माइक्रोस्कोप, राइट। अभी होगा क्या, यहां से सी दिस इज द एफ, सो दिस डिस्टेंस यू कैन से दैट एफ, सी दिस एंगल इज बीटा, राइट, एंड यहां से जो इमेज मुझे मिलने वाला है वो ऐसे होगा, राइट। सो दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमम, राइट। हां, उसके आगे पीछे जो कुछ भी एरेज, रिंग, एरेज डिस्क वगैरह 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 रहेगा वो होगा, चिंता मत करिए, है ना। अभी नोमेनक्लेचर हो जाए, यस। सो व्हाट अबाउट दिस वन, सो बच्चों दिस इज नथिंग बट द वी, दिस इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस। नाउ व्हाट अबाउट द विड्थ ऑफ इट, सो दिस वन इज नथिंग बट इट इज 1.22 लैम्ब्डा डिवाइडेड बाय डी। व्हाट अबाउट डी प्यारे बच्चों, सो दिस डी इज द, यू कैन से दैट द डायमीटर ऑफ द लेंस। सो व्हाट अबाउट द हाफ ऑफ इट, सो इट इज नेचुरली डी बाय टू। व्हाट अबाउट दिस एंगल, दिस एंगल इज थीटा, राइट। बस लिख दो, एज शोन इन द फिगर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस नियरर टू द एफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस व्हिच इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव लेंस। Its image will be forming on the screen and which is V distance far from the lens. The width of the central maximum, linear width of the central maximum is given by 1.22 lambda D. This is the angular width, right? Now, the diameter of the lens is D. So now, what about the angular width of it? So here, angular width of the image, that is theta, is equal to 1.22 lambda upon d. So therefore, linear, you can say that linear width of the central maximum, linear width of the central maximum, that is equal to theta into v. Ye kahan se liya maine formula, बहुत सिंपल है माय डियर फ्रेंड्स, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सो देयरफॉर आर्क इज इक्वल टू व्हाट, इट इज थीटा इनटू रेडियस, दैट्स इट। सो यहां पर मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू 1.22 लैम्ब्डा डी इनटू, राइट। नाउ इफ the image is not separated by this distance, then this two images gets merged in between, matlab dono ek dusre ke andar aa jata hai to hum log separate nahi dekh pate, aayi baat samajh mein। dusri baat, what about the minimum distance between the object, which distance you can see the image clearly separately, so you can write minimum
डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट फॉर विच वी कैन सी इट डिस्टिंक्टली, सो देयरफॉर दिस डी मिनिमम. And this d minimum, you can write it by this formula, 1.22 lambda upon d into v upon m. आप बोल दोगे सर ये फॉर्मूला आप लाए कहां से मुझे बताइए. हमारे पास डेरिवेशन तो था नहीं, आया कहां से बताता हूं, चिंता मत करिए. राइट, ये निकाल दूंगा, ये भी निकाल दूंगा क्योंकि ये जरूरत पड़ने वाली है हमका. राइट, now what is the magnification? Simple formula, it is hi upon ho. What is hi? Height of the image. What is ho? Height of the object. To ye object ke beech ka distance jo hai wo pyare bachcho mere liye ban jayega ye. So my dear friends, with the help of this one, this dn is equal to hi upon m. What is hi? Hi hai kya? So hi is the height of this one, so it is this one. And you can say that it is this one. So, यहां से मैं लिख लेता हूं थीटा बी वाला. So, therefore, this distance dm is equal to hi की जगह पर ये डाल दो. It is 1.22 lambda upon d into this v upon m. See this? ये वाला मिल गया है कि नहीं? Very good. Now, put this m is equal to v upon u. It is v upon f because f is the object distance. So therefore, equation 2 becomes, so therefore, equation 2. क्या होगा equation 2? So आप लिख सकते हो d minimum it is equal to 1.22 lambda d v, प्यारे बच्चों v upon f. Right? ये गया काम से. तो अभी मैं लिख सकता हूं therefore this d minimum it is equal to 1.22 lambda and then it is d upon f number 3. Right? अभी थोड़ा डायग्राम का यूज कर लेते हैं. This is called O, this one is A and this one is B. From figure, I say that for the triangle OAB, for the triangle OAB, if I write tan beta, then it is equal to opposite side, it is d by 2 upon this adjacent side, so it is f. So therefore, you can say that tan beta, this is equal to d upon 2f. I need this d upon f, so I say d by f, it is equal to 2 tan beta. Ye number denge 4. Abhi fourth ka value 3 mein rakhna hai. ये और ये निकाल देता हूं. इफ यू वॉन्ट इट टेक इट. राइट, सो प्यारे बच्चों ये निकाल दिया मैंने, है ना, फाइन. अभी इसकी जगह पर मैं क्या कर सकता हूं? सो इसकी जगह पर मैं बाय यूजिंग 4 इन 3, बाय यूजिंग 4 इन 3, 4 का यूज 3 में करेंगे. So, आप लिख सकते हो d minimum it is equal to 1.22 lambda divided by 2 tan beta. Right? अभी इसी के साथ में काम लेना है. If beta is very small, then what can you write? You can say that tan beta is approximately equal to sine. Right, so therefore this d minimum 1.22 lambda upon 2 sine beta. Now see, presently this is the object and this is the objective. Between these two we have air medium. In place of air medium we insert some liquid with the refractive index n. So in place of air medium, between object and objective, we insert liquid of
रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है. सो व्हाट हैपन नाउ, सो माय डियर बच्चा बर्डी, इफ इट इज डी मिनिमम देन इट इज 1.22 लैम्ब्डा अपॉन ट्वाइस एल साइन बीटा, राइट. सो दिस इज कॉल्ड द एंगुलर रिजोल्यूशन स्टिल इन द फॉर्म ऑफ एंगल. हियर this n sin beta is known as you can say that's aperture, numerical aperture. numerical aperture मतलब यहां पर कौन से मतलब एंगल से या डायमीटर से क्या हो सकता है उसकी बात कर रहे हैं. फाइन, देन reciprocal of this one will gives you the resolving power of the microscope. So you can say the resolving power of microscope. So it is 1 upon d minimum. This is equal to 2n sin theta. Sorry, not theta. This is beta. Sin beta upon 1.22 lambda. So यहां से दो conclusion बहुत important निकल के आते हैं. This RP resolving power is proportional to n and it is proportional to 1 upon lambda. ऐसे questions बहुत पूछे जाते हैं ये concept वाले NEET गुजरात बोर्ड के अंदर. आई बात समझ में? बस that's all about the resolving power of the microscope, right? और एक बात आपके दिमाग में जो है confuse करने वाली उसको दूर कर देता हूं. Already एक बार मैं बोल चुका हूं लेकिन फिर से एक बार. Telescope is just the instrument with which we can see the far object nearer one. We not need at all the magnification. Clear? In the case of microscope, the object is nearer one and with the help of magnification, we can see the objects distinctly. So the two phenomenon is related to the resolving power, but inside it, the phenomenon is little bit different. आई बात समझ में? तो यहां पर ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, राइट. नेक्स्ट 10.6.4 द वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स. वर्ड इटसेल्फ रिप्रेजेंट समथिंग कि रे ऑप्टिक्स कब तक वैलिड है, समझाऊं. सी आप भी बताएंगे मुझे. सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ स्लिट विथ दिस विड्थ एंड सेकेंड टाइम्स इफ द विड्थ इज लाइक दिस, ऐसी बड़ी लाइन से. तो यहां पर रे इंसिडेंट होंगे लाइक दिस, रे यहां पर इंसिडेंट होंगे तो ये वाले रे ज्यादा डिफरेक्ट हो सकते हैं और यहां पर रे उसकी कंपैरिजन में कम डिफरेक्ट हो सकते हैं, राइट. सो हियर वी वांट टू डिस्कस अप टू विच डिस्टेंस वी कैन अप्लाई द रे ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स कहां तक लागू कर सकते हैं वो अभी समझाना. So what about the angular width of the central maximum? So angular width of the central maximum, that is you can say that theta is equal to lambda by n. Theory में आगे हम लोगों ने ये formula derive कर दिया. Suppose this distance is z. आप z बोलते. So in place of angular width, if I say, what about the linear width of the central maximum, that is equal to theta into z. So what I write, it is equal to lambda z upon a. लेकिन एक बात बहुत क्लियर है कि ये डिस्टेंस अगर मेरे पास स्लिट की विड्थ कम है तो मैं बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक पैरेलल रेज नहीं ले पाऊंगा. But if the width is more, the rays that you consider parallel are more with the length. यहां से length ज्यादा होगी तब तक आप ये सभी rays को parallel ले सकोगे. यहां पर ऐसा possible नहीं है. मतलब क्या हुआ? So मतलब ये हुआ कि width के साथ में ये directly proportionality में आता है. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से जाके देखिए, दो बार, तीन बार, चार बार देखिए, तब जाके ये समझ में आपके आ सकता है. So what about this linear width? So you can say that this linear width lambda z upon a
इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए, मतलब ये जितना ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, उसकी कंपैरिजन में ये रे ऑप्टिक्स हम लोग लगा सकते हैं. सो विद दिस यू राइट द फॉर्मूला फॉर जेड, जेड इज इक्वल टू, इफ यू टेक हियर देन इट इज ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा. समटाइम्स यू मे ऑल्सो राइट जेड एफ इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा. दिस इज कॉल्ड फ्रेसनल डिस्टेंस. कई बार लोग उसको फ्रेनल डिस्टेंस भी बोलते हैं. एक्चुअली फ्रेसनल डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द स्लिट एज वेल एज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. राइट, होना क्या है बच्चों, होना यह है कि अगर वेवलेंथ जितनी कम होती है तो फ्रेसनल डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है. ये विड्थ जितनी ज्यादा हो सकती है तो यह डिस्टेंस भी ज्यादा मिल सकता है. सो इन द लिमिट ऑफ लैम्बडा टेंस टू जीरो, फिर से एक बार, इन द लिमिट ऑफ लैम्बडा टेंस टू जीरो यू आर गेटिंग मोर वैल्यू ऑफ जेड. दैट मीन्स यू कैन अप्लाई द रे ऑप्टिक्स अप टू द फार डिस्टेंस इन द केस ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ. राइट, अगर ज्यादा होता है तो यह कम हो जाएगा. राइट, सो By this way you can explain the things, right? So ये 2 marks के लिए बहुत बहुत important theory है. Right? आगे एक दो illustration कर ले, है ना? Okay, प्यारे बच्चों, कौन सा illustration हम लोग solve करने वाले हैं? So देखो 10.5 तो हो गया हमारा, अभी 10.6 कर रहे. It is on page number 373, right? So you can say 10.6. Example 10.6, right? क्या है? Assume that the light of wavelength 6000 angstrom. So you can say lambda is equal to 6000 angstrom. जो जरूरत पड़ेगी conversion कर लेंगे. Coming from a star, what is the limit of resolution of a telescope whose objective lens is of the diameter, diameter of the lens, that is you can say that 100 inch, right? Okay, 100 inch. अभी आपको कन्वर्जन आना चाहिए. 1 inch is equal to 2.54 centimeter. आपको रिजोल्यूशन पावर चाहिए, right? तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्जन हो गया, तो आप लिखोगे 254 सेंटीमीटर. राइट, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर डालते हैं सेंटीमीटर. राइट, नाउ व्हाट अबाउट डेल्टा थीटा? सो एंगुलर रिजोल्यूशन, राइट, सो यू कैन से दैट डेल्टा थीटा एंगुलर रिजोल्यूशन. क्या बात है, डेल्टा थीटा. एंड द फॉर्मूला इज 0.61 लैम्डा डिवाइडेड बाय, प्यारे बच्चों 0.61 एंड लैम्डा, लैम्डा इज 6000, सो इट इज 6000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8. ए क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ए इज दिस, ओके, रेडियस चाहिए, है ना? सो ये हो जाएगा डी, दैट इज इक्वल टू 2a. सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2a. सो देयरफॉर दिस ए इज इक्वल टू 254 डिवाइड बाई 2. रेडियस चाहिए ना बच्चों, तो करना पड़े ना भाई, 2 into 2, 1, 5, सो 2 and 7 centimeter. So it is 127. You can find this answer in between. That's it. यार ये तो 2 marks में भी नहीं पूछ सकते, ऐसा क्वेश्चन हो गया. सो यही एमसीक्यू है आपके, बनी ना बात प्यारे बच्चों. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10.7, which is on page number 376. For what distance is the ray optics is good approximation when the aperture is 3 millimeter? Right. So this A, that is called the width of the slit. It is 3 millimeter. So 3 into 10 to the power minus 3 meter. Okay. And the wavelength is 500 nanometer. Right. So nano ka nikal do matlab to 10^-9. Right. अभी मुझे चाहिए क्या? फ्रेसनल डिस्टेंस. सो यू कैन से दिस ZF इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्बडा. सो इट इज 3 into 10^-3 डिवाइड, स्क्वायर डिवाइड बाय 500 10^-9. सो दिस ZF इज इक्वल टू 9 into 10^-6, दैट इट इज 500 10^-9. दिस इज योर एंसर, राइट? और एंसर किसमें आएगा बच्चों, पता है ना, मीटर में, राइट? नीचे क्या लिखा है? दिस एग्जाम्पल शोज दैट इवन विड्थ
a small aperture, even with a small aperture, diffraction spreading, diffraction spreading can be neglected. Spread मतलब दूर जाना, bending होना, right? Be neglected for rays many meters of the length. Thus, ray optics is valid in many common situations, right? बस तो ये डिस्टेंस तक रे ऑप्टिक्स लगा सकते हो, मतलब ये लाइट वेव नहीं है, लाइट रे के हिसाब से काम कर रहा है क्योंकि वो सीधा जा रहा है, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, पढ़ते रहिए, काम करते रहिए और अच्छा रिजल्ट लाने का ट्राई करिए. थैंक यू सो मच, टेक केयर.